धौलपुर जिले की बाड़ी शहर के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 बी पर बिस्नीगर मोड़ के पास बने बांके बिहारी होटल को आज उपखंड प्रशासन ने पुलिस बल के सहयोग से जेसीबी मशीन से पीला पंजा चलाकर ध्वस्त कर दिया। यह होटल बाड़ी नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष व भाजयुमो के जिलाध्यक्ष अजय सिंह का है। होटल पर की गई कार्रवाई को लेकर भाजपा नेता अजय सिंह ने उपखंड प्रशासन पर आरोप लगाते हुए बताया कि उपखंड प्रशासन के द्वारा बिना पूर्व में सूचना दिए ही अचानक कार्रवाई की गई है, जो पूर्णतः गलत है। कार्रवाई के दौरान होटल से सामान निकालने का बिल्कुल भी वक्त नहीं दिया गया और न ही कार्रवाई के दौरान NHAI का कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था। यह कार्रवाई राजनीतिक षड्यंत्र के तहत गलत तरीके से की गई है। पहले होटल की जगह को नगर पालिका की बताया गया, जब नगर पालिका की ओर से नापतौल की गई तो थोक सी जगह नगर पालिका की निकली, जिसको हम लोगों ने खाली कर दिया। इसके बाद विपक्षी लोगों के द्वारा NHAI को गलत तथ्य पेश किए गए, जो कि किसी बुनियाद पर सही नहीं थे। वहीं आरोप लगाते हुए बताया कि यह कार्रवाई बाड़ी के विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के इशारे पर की गई है। इस कार्रवाई को रोकने के लिए ऑर्डर भी आ गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी यह कार्रवाई की गई है। NHAI का पटवारी भी रास्ते में आ रहा था, बिना उसके यह कार्रवाई की गई है। उपखंड प्रशासन ने सिर्फ कांग्रेसी विधायक जी के हजूरी करने के लिए कार्रवाई की गई है। उधर बाड़ी तहसीलदार पुरुषोत्तम लाल ने बताया कि यह कार्रवाई उपखंड अधिकारी के आदेश पर NHAI की जगह पर से अतिक्रमण को हटाया गया है। कार्रवाई के दौरान नगरपालिका बाड़ी के अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप, बाड़ी कोतवाल अजय मीणा सहित भारी संख्या में पुलिस जाप्ता मौजूद रहा। SDO बाड़ी के आदेश की पालना में NHAI की जमीन से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। बिना नोटिस दिए नोटिस कार्रवाई हो चुकी है NHAI ने अपनी जगह की पैमाइश की थी कि आप दो दिन पहले इसी जगह पर नगर पालिका की पैमाइश करा रहे थे। पैमाइश नहीं आवेदन हुआ है और NHAI ने आवेदन किया है एसडीओ साहब को कि हमारी जमीन से अतिक्रमण हटाए जावे और एसडीओ साहब ने आदेश तहसील में किया है, उसकी पालना में कार्रवाई की है। तो तहसील में बिना नापन के NHAI की कार्रवाई पे NHAI के बोलने से किया जा सकता है? पैमाइश हो चुकी है, पैमाइश के ऑर्डर है, पैमाइश की मापन के मार्क है, वो तो अलग थी। इससे जो भी हो रहा है वो नियमानुसार और आदेशानुसार हो रहा है। दिया वहाँ पर और कोर्ट में ले गया तो वहाँ से मुझे स्टे प्राप्त हुआ। उसके बाद इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने नगर पालिका से कहा, नगर पालिका ने अपने खेत की नापन की, जहाँ अतिक्रमण नहीं पाया गया वो एक कोने में थोड़ी जगह 2 फीट जगह बढ़ रही थी, वो हमने अतिक्रमण अपने स्वतः ही हटा लिया था। उसके बाद इन लोगों ने इलीगल गलत तथ्य पेश किए NH वालों को, जो किसी बुनियाद में नहीं थे। इन्होंने नीचे से ही तहसीलदार पटवारी इनकी सारी गलत रिपोर्टें ऊपर तक पहुँचाई, उसके हिसाब से ये यहाँ पर आज कार्रवाई करने के लिए आ गए, वो भी अक्षमाती आ गए। किसी का कोई नोटिस नहीं, इन्होंने इतना भी समय नहीं दिया कि अपना उसमें सामान भी निकाल लेते हम। केवल उनकी जो केवल मलिंगाए कहने पर उन्होंने सीधी कार्रवाई, उसके बावजूद वहाँ से ऑर्डर भी आ गए उनको रोकने के लिए। तो मैंने इसे कहा भी था आदेश आए, आदेश तो जब मैं कौन हूँ आदेश, तो आदेश तुम्हारे पास आए हैं। उन्होंने आदेश रोकने के आदेश होने के बावजूद भी ये कार्रवाई की। NH का कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं, NH का जो व्यक्ति होना चाहिए था NH का पटवारी होना चाहिए था, NH का पटवारी रास्ते में रह गया, वो हमें जानकारी मिली कि वो रास्ते में आ रहा था, लेकिन उन्होंने उसका भी इंतजार नहीं किया था, क्योंकि इनको तो अपने माननीय विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को अपनी जी हजूरी और वहाँ इनको साबित करना था मैं तुम्हारा वफादार हूँ। केवल इसको देखते हुए सारी कार्रवाई राठौड़ी जरिए कार्रवाई हुई है। हम कोशिश करेंगे और आपसे आपके मीडिया के द्वारा चैनल के द्वारा मांग करेंगे कि सत्य सामने आए और विरोध जो गलत हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बुलेट सवार युवक ने ऑटो चालक की बीच बाजार एक छोटी सी गलती पर जमकर पिटाई कर दी। वीडियो धौलपुर शहर के संत रोड का बताया जा रहा है, जहां पर आज सोमवार को एक ऑटो वाले की छोटी सी गलती पर बुलेट सवार दमंग युवक ने ऑटो ड्राइवर की जमकर धुनाई कर दी। सवार को न कोई कानून का डर न भय। जानकारी के अनुसार एक ऑटो ड्राइवर सामने से आ रहा था, तभी बुलेट सवार की बुलेट में उसकी ऑटो भिड़ गई। बुलेट में कोई विशेष टूट फूट भी नहीं हुई, इतने में ही बुलेट सवार दबंग ने ऑटो ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। लोग तमाशबीन बनकर देखते रहे और ऑटो ड्राइवर पिटता रहा। अब देखने वाली बात यह है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ऑटो ड्राइवर की पिटाई को लेकर पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है।
धौलपुर पुलिस की डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम ने वर्ष 2013 में नादनपुर पुलिस थाने की हवालात की दीवार तोड़कर फरार हुए 5,000 रुपए के इनामी बदमाश कल्ला उर्फ राम लखन को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया है। एसपी मृदुल कछवा ने बताया कि पकड़ा गया बदमाश कल्ला उर्फ राम लखन 24 जून 2013 को सदर थाना नादनपुर पुलिस थाने की हवालात की दीवार तोड़कर अपने दो साथी काड़िया उर्फ प्रेमराज पुत्र तेजाराम मीणा निवासी रत्नापुरा और सुरजन सिंह पुत्र राम खिलाड़ी मीणा निवासी शेर कापुरा थाना सरमथरा जिला धौलपुर फरार हो गए थे। फरार हुए दोनों बदमाश काड़िया उर्फ प्रेमराज व सुरजन सिंह को पूर्व में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फरार बदमाश कल्ला उर्फ राम लखन को पुलिस ने काफी तलाश किया लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी, जिसके बाद धौलपुर पुलिस की तरफ से बदमाश कल्ला उर्फ राम लखन की गिरफ्तारी के लिए 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस टीम ने तमिलनाडु के तिरुपुर जिले के पलगम से पिछले 7 साल से फरार चल रहे 5,000 रुपए के इनामी बदमाश कल्ला उर्फ राम लखन को गिरफ्तार कर लिया। धौलपुर जिले की डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें सन 2013 की यह घटना है, जिसमें नादनपुर थाने के हवालात को तोड़कर मुल्जिम फरार हुआ था। मुल्जिम का नाम कल्ला उर्फ राम लखन है। फिलहाल इस पर जो है धौलपुर पुलिस के द्वारा 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है और सवाई माधोपुर थानों में भी जो है सवाई माधोपुर के थानों में भी इस पर मुकदमे दर्ज है, वहाँ पर ये भी वांछित है। इसको कल्ला उर्फ राम लखन जो है इसे डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम ने जो है तमिलनाडु के तिरुपुर जिले से गिरफ्तार किया। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने अलग अलग जगह पर कार्रवाई करते हुए दो बदमाशों सहित शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। कंचनपुर थाना प्रभारी बालकृष्ण ने बताया कि पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि दो बदमाश थाना इलाके में वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने टीम गठित कर बदमाशों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। पुलिस ने थाना क्षेत्र से सात्र बदमाश सुनील पुत्र राजू निवासी लालौनी को गिरफ्तार कर लिया। बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक अवैध देसी तमंचा के साथ एक जिंदा कारतूस बरामद कर लिया। दूसरे बदमाश नेकराम पुत्र फेरन सिंह निवासी अतिराज कपुरा के कब्जे से एक अवैध देसी तमंचा के साथ दो जिंदा कारतूस बरामद कर लिए। तीसरी कार्रवाई में पुलिस ने नरेश पुत्र दरोगन एवं बच्चू पुत्र लाजपति को गिरफ्तार कर 127 पब्लिस अवैध देसी शराब के बरामद किए हैं। चारों आरोपियों को हिरासत में लिए पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया हथियार बरामद हुए बदमाशों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। वहीं शराब तस्करों के खिलाफ आबकारी एक्ट में मामला दर्ज किया है। अधीक्षक महोदय जिला धौलपुर के दिशा निर्देशन में अपराधियों को पकड़ने का एक एवं धरपकड़ का अभियान चलाया हुआ है। इस पर हमारी कंचनपुर थाना पुलिस ने रात्रि को कार्रवाई करते हुए दो व्यक्तियों से 315 बोर के कट्टे एवं कारतूस बरामद किए गए हैं तथा दो व्यक्तियों से अवैध शराब ले जाते हुए पकड़ा गया है। चारों मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें आज न्यायालय में पेश किया जाएगा एवं इसी प्रकार अपराधियों को पकड़ने का अभियान जारी रहेगा। धौलपुर जिले की बसेड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो हार्डकोर बदमाशों को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने एक देसी कट्टा 315 बोर और एक देसी 12 बोर बंदूक सहित तीन जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बसेड़ी थाना प्रभारी लल्लूराम मीणा ने बताया कि पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के गांव अतर सुमा रोड पर दो बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। मुखबिर की सूचना पर दोनों बदमाशों को गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया गया। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों बदमाशों की घेराबंदी कर दबोच लिया। बदमाश सुरेश पुत्र विद्याराम निवासी जारगा के कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा के साथ एक जिंदा कारतूस बरामद किया है, जबकि बदमाश शेर सिंह पुत्र अनेक सिंह ठाकुर निवासी अतर सुमा के कब्जे से एक 12 बोर बंदूक के साथ दो जिंदा कारतूस बरामद कर लिए हैं। दोनों बदमाश हार्डकोर अपराधी हैं। पुलिस ने बताया दोनों बदमाशों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस ने संभावना व्यक्त की है पूछताछ के दौरान बड़ी वारदातों के भी खुलासे हो सकते हैं। धौलपुर शहर की निहालगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पुराने सदर थाने के पास वारदात की योजना बनाते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक अवैध देसी तमंचा के साथ एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। बदमाश को अशक्त में लेकर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। निहालगंज थाना प्रभारी रोहित चावला ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि पुराने सदर थाने के पास एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने टीम गठित कर बदमाश को गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बदमाश प्रियांशु पुत्र बिंद्रावन गुर्जर निवासी अम्बा बाईपास जिला मुरैना को गिरफ्तार कर लिया।
तलाशी लेने पर बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक अवैध 315 बोर का देसी तमंचा व एक जिंदा कारतूस मौके से बरामद कर लिया। कब्जे से मिले हैं, उसे पूछताछ कर रहे हैं, अरेस्ट कर लिया इसको और कार्रवाई की जा रही है।